गुड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। 63 आई एम 64। जब बाइक पे बैठते हैं और जब पांचवा गियर लगता है, जब बालों में से हवा जाती थी ना, तो दैट इज व्हाट मेक्स यू फील अलाइव। डिसेबिलिटी अवेयरनेस को लेकर के काम करते हैं, हम में भी एक एबिलिटी है, ना कि हम में वो डिसेबिलिटी है। इट्स माय फर्स्ट राइड, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। Well, thank you so much for coming here today. And see, this is an excuse to get together, to ride together. I started from a Pulsar 180 in 2001. A motorcycle does not define me. मैं उतना ही confidence के साथ Pulsar 180 चलाता था, charisma चलाता था, जितनी confidence के साथ मैं आज H2 चलाता हूँ या जो भी मेरे पास bike है वो चलाता हूँ। फर्स्ट बाइक पल्सर 150 थी, तो मैंने वो यूज बाइक खरीदी थी। मैं जब छोटा था तब से अपने पेरेंट्स के पीछे लगा था, मेरे को बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। मेरे फैमिली में स्कूटर चलता था, फिर कार चलती थी, बाइक किसी के पास नहीं थी। मैंने पैसे कलेक्ट किए धीरे धीरे, तो फिर मैंने R15 खरीदी अपनी कार बेच के। और मेरी ड्रीम बाइक हायाबुसा है, मैं उसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा। करंटली राइड कर रहा हूँ डोमिनार 400, और उस पर दिल्ली से मैंने कई सारी राइड्स की, एंड इट हैज़ चेंज माई लाइफ ऑल टुगेदर। मतलब इतना खुश मैं पहले कभी था नहीं, जितना आप राइड करने के बाद होता हूँ। ट्रैवल करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों का, नए लोगों से मिलता हूँ। राइडर सिर्फ राइडर होता है, अपने तरीके से चलाओ। और राइडर जब अपनी बाइक पे बैठता है तो वो 18 साल का लौंडा होता है, एज नहीं देखना कभी भी। तो मैंने एक बाइक चूज़ की डोमिनार 400, जिसको मैंने 6 महीने अपने PC के डेस्कटॉप पर रखा, और 6 महीने बाद मैंने बाइक ली और सेम जगह पर जाकर मैंने बाइक की फ़ोटो भी खींची है। 2017 हम लोग ऑस्ट्रेलिया में राइड कर रहे थे 20,000 किलोमीटर, सनी और मैं। सनी वॉज राइडिंग द निंजा H2 एंड आई वॉज राइडिंग विद हिम ऑन अ डुकाटी पानीगाले। तो मेरा जो प्लान था कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रुकना है कि मुझे कंटिन्यू करना है। तो मैं 1700 किलोमीटर के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं केवल नेक्स्ट पेट्रोल पंप के बारे में सोच रहा था, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जब आपकी मंजिल दूर हो, मतलब आपको 1,00,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, तो आप उस 1,00,000 के बारे में मत सोचो। आप सोचो कि मुझे कैसे 10,000, अगले 10,000 इकट्ठे करने हैं। यू नो, यू मस्ट राइड रिस्पॉन्सिबली। यू हैव ओनली वन लाइफ एंड यू आर सिटिंग ऑन द बाइक, बट देर आर 500 पीपल हु आर सिटिंग बिहाइंड यू इन देयर रिस्पेक्टिव होम्स हु आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। मी, आई वॉज अ टैंक मैन, सो आई हैव रिडन अ टैंक। ओके, दैट वॉज माई राइड फॉर 44 years। ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। 3-year-old biker. I bought my bike 3 years back, Himalayan. It took me 70 years, more than 70 years to buy a bike. And you people are talking 10 years, 5 years, 10 years, you got to wait. I waited 70 years to buy a bike. RX 100, which remained my first bike for like donkey's years. So, jab it was not even cool to ride to Leh, we were riding to Leh. My RX 100 was riding to Pangong and Khardungla and every place else. Because Foy decided us to send us to the paradise on earth. So, this guy has been instrumental in motivating, getting people together, everybody together. Or ek wo jo sense of belongingness aati hai, when you start riding and you feel everybody is together, everybody is looking out for each other. This is because of him. Thanks a lot. जो ये passion देखता हूँ bikers के लिए या एक दूसरे के प्रति, एक जो respect का level बढ़ गया है, बहुत 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 खुशी होती है। Classic Riders आज इस इवेंट का पार्ट बनके रियली रियली वी आर प्राउड। सो दैट्स द मेन मोटो ऑफ आवर ग्रुप, फ्री सोल बाइकर्स, गो एंजॉय राइड एंड बी सेफ, दैट्स इट। राइड अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, अल्कोहल, एंड वी जस्ट राइड इन अ
No, great, great, wonderful. Awesome, so awesome. You're riding for a cause, wonderful. Riding एक special है, तो उसको छोड़े ना और उसको लगातार करते रहे। XBHP एक ऐसा platform, एक forum जहाँ मैंने join किया था, because again big ambitious, big dreams की super bike लेनी है, देखनी है, तो मैं ढाबा पे जाता था, जो इनका meeting point होता था, वहाँ पे bikers से। Racing is like mathematics. Yes. आप जितना practice करोगे, जितनी technicality में जाओगे, उतना आप successful होगे। थ्री टू वन, ये स्पेशली ट्रैक के लिए ली है और इसकी कैपेबिलिटी तो यही जानते हैं क्या हो सकती है। इसको स्टार्ट करें। ऑल राइट, इसका जो फेस है आगे से, इट्स वेरी डिस्टिंग्विश्ड। एंड आई रिमेम्बर कि KTM वालों ने इसको डिस्प्ले व्हीकल में खड़ा किया था शोरूम्स के अंदर में, लाजपत नगर जाके मैं देख लिया। छह बाइकें हैं बस इंडिया में घूम रही हूं। एनी डे, इट्स अ ब्रूटल वन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये आपकी गैराज में जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले वो आई, अभी ये आई, आगे आगे मेरे को लग रहा है ऐसे इवेंट होते रहेंगे। अरे बस मैं चाहता हूँ कि हर किसी की ड्रीम्स पूरी हो, हर किसी की ड्रीम्स पूरी होना जरूरी है। छह महीने में छह बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बाइक है, और क्योंकि प्रॉपरली ट्रैक स्पेक के लिए ही बनी हुई है RC8R। जब मैंने ये ली थी ना, मुझे बोला था कि यार ये अगर आप आगे बेचो, किसी को ऐसे मत बेचना जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, उस मामले में क्या कहना है? क्योंकि बोट ओल्ड जेन बाइक है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो जो भी नया राइडर इसको चलाएगा वो एकदम से थ्रॉटल ओपन कर देगा। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है नहीं, हाई साइड होके गिर भी सकते हो, तो उसके लिए आपको थ्रॉटल पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके रहना पड़ता है इसके साथ। और फुल्ली एडजस्टेबल है, आप इसका चेसी रैक एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, और फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, स्टीयरिंग डैम्पर मिल जाता है आपको, तो बाइक फुल्ली एडजस्टेबल है, तो जो नॉर्मल उस टाइम पे किसी भी बाइक में नहीं आता था।